वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसी एजुकेशन हब बांसुर ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन दिस पार्ट फिनॉल टॉपिक इज कंटिन्यू आल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल इज गोज आउट यू विल बी सी नेक्स्ट ए कंडेंसेशन रिएक्शंस पार्ट विद ए फेनिलिक एनहाइड्राइड किससे रिएक्शन कराएंगे फेनिलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे दैट इज फेनिलिक एनहाइड्राइड ये अपने पास में है थैलिक एनहाइड्राइड क्या कहलाता है ये थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड है इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे फिनॉल वन मॉलिक्यूल फिनॉल अदर मॉलिक्यूल फिनॉल दैट इज ओके there will be very easy reaction there will be same condensation reaction 1H2O there will be remove of oxygen there will be remove of hydrogen one hydrogen oxygen in the presence of concentrate H2SO4 that is condensation reaction minus H2 yahan se remove ho gaya remaining part ko just like fevicol aap chipka dijiye dekhi kya bach gaya yahan par very easy इस वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन इससे अटैच हो गया बेंजीन फिनोल पार्ट ओके इधर अटैच हो गया फिनोल पार्ट very important product that is called phenolphthalein indicator kya kehlayega ye phenolphthalein लैब के अंदर इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स के दौरान फिनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज किया जाता है और फिनोप्थलीन इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कहां से प्राप्त किया जाता है कहां से गेन होता है फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोल की रिएक्शन कराने पर ये तो अपने पास में था फिनोल और फिनोल की रिएक्शन किससे हो रही है थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ठीक है सो यू विल बी सी थैलिक एनहाइड्राइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर फिनोप्थलीन इंडिकेटर का फॉर्मेशन हो रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन में आपको इस टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं कि ए और बी प्रोडक्ट क्या होगे अगर ए प्लस बी की रिएक्शन आप करा रहे हैं तो व्हाट विल बी द सी का फॉर्मेशन क्या होगा वो प्रोसेस आपको यहाँ पर डाल देगा उसके बेस पर आपको इसके अंदर करना पड़ेगा इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन अपनी है इसी के अंदर डी रिएक्शन है लेडरर मानासी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है लेडरर मानासी रिएक्शन लेडरर जो मानासी रिएक्शन होती है स्टूडेंट फिनोल की रिएक्शन किससे कराते हैं डाइल्यूट HCl मीडियम में डाइल्यूट HCl जो मीडियम होता है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर है जो कंपाउंड बनते हैं या तो ऑर्थो पोजिशन पे बनते हैं या पैरा पोजिशन पे बनते हैं और ये होते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बनते हैं क्या बनते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बनते हैं एक ऑर्थो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स एक पैरा प्रोडक्ट होता है अब इसमें मेजर कौन सा होता है वो अपने को देखना है ऑलवेज जो कंडीशंस होती हैं उसमें मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो पैरा पोजिशन वाला होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द रिएक्शन व्हाट विल बी प्रोसेस जस्ट लाइक दैट विल बी लैडर मानासी रिएक्शन इट विल बी फिनोल रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड किससे रिएक्शन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करता है स्टूडेंट्स ये डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में करता है कोई भी आप डाइल्यूट एसिड लीजिए HCl हो सकता है H2SO4 यूज कर सकते हैं HNO3 यूज कर लेते हैं डाइल्यूट है उसको यूज करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा ये OH है इस वाले कंडीशन में यहाँ पर एक जुड़ जाता है अपने पास में दो प्रोडक्ट बनते हैं एक और तो क्वेश्चन पे CH2OH ग्रुप है प्लस
दूसरे वाला स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ गया OH और ये कहलाएगा CH2OH। ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाते हैं, एक मेजर होता है, एक क्या होता है स्टूडेंट माइनर होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, ये कहलाएगा अपने पास में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ओके, और ये कहलाएगा क्या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल कहलाएगा। ओके, तो देखो वेरी इजी रिएक्शन है, क्या होगा जस्ट लाइक ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये जो होती है बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट जो पॉलीमर है उसका फॉर्मेशन भी इसी रिएक्शन के थ्रू होता है, क्योंकि इस वाले स्टेप में यही जो आगे वाले पोर्शन है ये कंटिन्यू जुड़ते चले जाते हैं और यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, बेकेलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम वही रिएक्शन यहाँ पर भी चलने वाला है। फॉर्मेल्डिहाइड में आप देखिए इस वाले पार्ट में CH2, इस वाले को स्टेस लिख सकते हैं CH2O, ओके, और यहाँ से एसिड यूज कर रहे हैं, यहाँ से क्या आता है एसिड वाले पार्ट से एच आ जाता है, ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा CH2OH, ये कहलाएगा अपने पास में क्या मिथाइल एल्कोहल कराएगा, और मिथाइल एल्कोहल होता है ये वाली इस पोर्शन के ऊपर जुड़ जाता है CH2OH और इस वाली पोर्शन के ऊपर जुड़ जाता है। तो ये वाले में देखें तो ये वाला क्या होता है इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है, कौन सा होता है मेजर, और ये कैसा होता है माइनर प्रोडक्ट होता है। पहली प्रायोरिटी में कौन सा बनता है स्टूडेंट मेजर प्रायोरिटी में, ज्यादा मात्रा में कौन बनता है मोर क्वांटिटी में, ये बनता है लेस क्वांटिटी में ये बनता है। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी कहलाती है लैडर मानासी रिएक्शन कहलाती है, ओके, लैडर मानासी रिएक्शन कहलाती है। तो इन नेक्स्ट वी सी द रिमेनिंग 1-2 रिएक्शंस, अदर रिएक्शंस हैं टाइप ऑफ डी रिएक्शंस हैं, उनको अपन इसमें स्टडी करने वाले हैं। टूडे वी मोस्टली कंप्लीट है फिनॉल केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल्सो मोस्टली एंडिंग द फिनॉल केमिकल प्रॉपर्टीज topics in next video. Thank you.